आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब, हमारे यूथ के फिटनेस फ्रीक, आज भी जिन्हें 60 के बाद देखने के बाद भी बहुत से यूथ लोगों को फर्क पड़ता होगा, ऐसे हमारे सुपरस्टार सुनील शेट्टी साहब, स्थानिक नगर सेविका जिनके प्रयत्नों से आज ये चौक पास हुआ, सेजल देसाई मैडम, दूसरी हमारी नगर सेविका बहन राजुल पटेल जी, मेरे ख्याल से अध्यक्षा और नगर सेविका प्रतिमा कुपरे जी, अशोक भाव यादव हमारे दूसरे कांग्रेस के सीनियर नेता और माजी आमदार, मेरे दूसरे साथी जिनके साथ उपमहापौर मैंने काम किया, ऐसे हमारे अरुण देव साहब, सुनील कोहली जी, दूसरे एक सीनियर नेता रघुनाथ कुलकर्णी साहब, और आज इस प्रोग्राम के अवसर पे हमारी सबकी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ ऐसे अजय कौल और उनकी सारी फैमिली। मेरे ख्याल से आपने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे लगता है कि ऊपर और नीचे बैठे हुए लोगों में से शायद ही आधा परसेंट के लोग होंगे जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान आज़ादी के बाद, जब फिल्म सिटी का जन्म होके जब वो चल रहा था, तभी पहले उस फाउंडेशन के एक्टर का हमने आज इस चौक का उद्घाटन किया, ये बोलते हुए मुझे फख्र होता है। और शायद ही मैं वही गोपाल भाई से पूछ रहा था कि आपका जन्म हुआ था क्या जब इन्होंने पहली फिल्म की, तो बोले पहली फिल्म में तो पता नहीं, लेकिन 58 के बाद वाला तो मैं ज़रूर देख सकता हूँ करके। तो वो मिलने का मतलब ये है कि अगर मशीन अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, तो उसके अंदर का जो प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत ही अच्छा निकलता है। वैसे ही कौल फैमिली है, और ख़ास करके हमारे अजय जी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। वो एक ऐसी छतरी है जिसके छतरी के अंदर पूरा समाज, देखो यहाँ पे हमारे सभी समाज के चलते आ रहे इस पैंडेमिक के दौरान, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। जवाहर कौल जी के इस चौक के उद्घाटन के लिए हमें बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया परिवार को। 1945 से उनकी शुरुआत हुई, और असम भाई के साथ बैठ के मैं यही डिस्कस कर रहा था कि उस जमाने में जो एक्टर हुआ करते थे, मर्द हुआ करते थे, उनकी उनकी लुक्स हो, उनकी वॉइस हो, उनकी चार्म हो, जिस तरीके से वो बोलते थे, उसमें ऐसे नहीं लगता गया कि इंसान एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा, इतने नेचुरल थे। तो बहुत ही खूबसूरत, और उनको इतना सम्मान देना बहुत ही गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस अजय जी, शबनम जी, एंड ऑल द मेंबर्स ऑन द डायस, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम। आणि हा मराठी भाषा दिवस आहे, तुम्ही सर्वांना माझ्या शुभेच्छा। थँक्यू, धन्यवाद। स्वतंत्र झाला, स्वतंत्र झाल्यानंतर जेव्हा आपली मायानगरी म्हणजे इंडस्ट्री जगत होती, त्या टायमाला अभिनेता होते आणि त्यांनी चांगली कामं मूवीमध्ये केलेली आहे, त्यांचेच चिरंजीव होते। चांगली कामं केल्या, कितीही वर्षापासून एज्युकेशन फील्डमध्ये करत आहे, आणि त्यानंतर रोल अरे अरे यार पीछे हो जाओ भाई, धक्का मत, आराम से करो, चलो चलो रोल 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 पिताजी के नाम पे चौक का उद्घाटन किया, आए थे किस तरह शुभकामना। उनकी बेटी के साथ मैंने काम किया हुआ, एज ए प्रोड्यूसर उनके काम के साथ। चौक चौक बहुत ही खूबसूरत और अलग चौक है, देखने में भी ऐसे लगता है जैसे एक पीस ऑफ आर्ट है, और एक आर्टिस्ट का नाम उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत बहुत मुबारक का और बात देना चाहूँगा पूरे परिवार को। और सबकी लाडली हमारी सदन में
ले गए, क्योंकि और कोई चीज किसी के लिए होती है, सिर्फ हार ही हार होती है। बहुत ही भारतीय छात्र वहाँ पे मौत से छात्र वापस भी आए हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और सरकार को और सारे लोगों को जो मदद कर रहे हैं वो सलाम करना चाहूँगा। लगातार कोशिश है सारे बच्चों को और फैमिलीज को वापस भी लाने की, सुनील सर अजय सर के साथ किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं।